अभी हम करेंगे सेमी पटियाला सलवार कटिंग, हाइट 42 के हम लेंगे 36 इंचेस। अभी इसको डबल करेंगे, अभी इसको फोल्ड करेंगे। मोहरी रखनी है 8 इंच, हम रखेंगे 8.5 इंचेस। अभी आसन रखेंगे 9 इंच। कली कटिंग करेंगे, जो साइड का क्लॉथ बचा है इसको इसके ऊपर रखेंगे। अभी करेंगे बेल्ट कट, तो 48 इंच हम रखेंगे, 50 इंच डबल में 25 इंचेस। अभी इसको डबल करेंगे, जो इसकी हाइट है वो रखनी है हमको 9 इंच, हम रखेंगे 9.5 इंच। अभी स्टिचिंग करेंगे सेमी पटियाला सलवार। सबसे पहले बुकरम कट करेंगे 1.2। एक और कट करूंगी ना एक पैर के। अभी करेंगे कली जॉइंट। अभी हो गया वन लेग का पार्ट कंप्लीट। अभी करेंगे सेकंड। मोहरी में भी बुकरम ऐड करेंगे, ये क्लॉथ है, अभी इसके अंदर ये बुकरम रखेंगे। बुकरम रखने के बाद इसको डबल फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद मोहरी से स्टार्ट करेंगे। अभी हम इसको पलटेंगे, पलटने के बाद फर्स्ट स्टिचिंग डालेंगे। अभी फर्स्ट हो गई, अब लास्ट में स्टिचिंग डालेंगे फर्स्ट टाइम। जैसे फुल लाइन डाला, अभी इसको हम ऐसे क्रॉस में लेंगे। अभी ये स्टार्ट किया सेकंड लाइन, अभी इसको ऐसे बॉक्स करेंगे। अब चाहे कितनी भी डिजाइन डाल सकते हैं। अभी ये मोहरी तैयार हो गई, अभी दूसरे पैर की सेम मोहरी तैयार करेंगे। अभी मोहरी वन मोहरी टू कंप्लीट हो गई, अभी हम आसन ज्वाइंट करेंगे। अभी अभी हम आसन ज्वाइंट करेंगे, ये वन। अभी हम सेकंड
पीछे का भाग है, पीछे के भाग में हम ये साइड से वन प्लेट डालेंगे और लेफ्ट साइड से भी वन प्लेट डालेंगे। ये हो गया बैक साइड कंप्लीट। राइट साइड से भी राइट तरफ लेंगे। अभी हम फ्रंट में प्लेट डाल रहे हैं, अभी हमारी राइट साइड की तरफ ही आनी चाहिए। क्लॉथ रहेगा उतनी ज्यादा प्लेट है, जितना ज्यादा क्लॉथ रहेगा उतनी ज्यादा प्लेट आएगी। जैसे कि आसन का एंड आया है तो यहाँ पर हमने राइट साइड लिए, अभी दोबारा से लेंगे लेफ्ट साइड, ये अपोजिट आना चाहिए। फ्रंट प्लेट डालने के बाद फ्रंट साइड ऐसा दिखेगा, बैक साइड इस तरह से दिखेगा। ये मोहरी है, अब इसको हम फोल्ड करेंगे। इंच पे 8 इंच से स्टिचिंग डालेंगे। जैसा कि हमने अभी 8 इंच पे डाला है, आप साइज के हिसाब से 7 ले सकते हैं, 7.5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 6.5 भी ले सकते हैं। जैसे कि अब दोनों आसन है आगे और पीछे का, अभी ये सेंटर में एकदम करेक्ट आना चाहिए। अभी दूसरे पैर में भी ना 8.5 पे निशान लगा लिया, अभी इसको भी सेम करेंगे। जैसे कि हमने साइज लिया था 48 सीट का, हाफ इंच इधर मार्क करेंगे और हाफ इंच इधर, अभी जॉइंट करेंगे। अभी हमने 1 इंच स्टिचिंग किया और 1 इंच इसको ओपन रखेंगे और स्टार्ट करेंगे। जैसे कि 1 इंच ओपन रखा है, यहाँ पे हम नाड़ा डालेंगे, अभी हम इसको फोल्ड करेंगे क्लॉथ को। जैसे कि ओपन है, अभी हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, जी ओपन है, इधर से नाड़ा डालेंगे। अभी हो गया नेफा कंप्लीट। सीट सिलने के बाद इस तरह से दिखेगा। अभी हम सीट ऐड करेंगे तो जो आसन का ये पॉइंट है और इसका जो पॉइंट है सीट का, ये ऐसे मैचिंग होना चाहिए। अब ये सीट का पॉइंट और आसन का पॉइंट सेम रखना चाहिए। ये फ्रंट का पॉइंट है और ये आसन का फ्रंट का पॉइंट है, इसको हम सेम रखेंगे। अभी हम इसको डबल स्लाइड डालेंगे।